बीनू बाड़ा, चलो घर चलते। बाबा अब थोड़ी देर और रुक जाते हैं ना। पानी। नो थैंक्स। जैसी आपकी मर्जी। इतनी नाराजगी है तो मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। नाराज तो तुम थी, तभी तो जिंदा होने के बावजूद इतने सालों तक तुमने मुझे कॉल करने की कोशिश तक नहीं की। अरे नाराज होना तो कोई तुमसे सीखे। इतनी नाराजगी कि सामने वाला तिल तिल मर रहा है लेकिन तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं? जिंदा होने के बावजूद मतलब आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है या मेरे घर से निकलते ही मुझे मरा हुआ मान लिया था? मेरी याददाश्त कमजोर नहीं हुई, तुम्हारी हुई है। तुम घर छोड़कर गई थी, तुम वीनू को लेकर चली गई थी, तुमने मेरे वीनू को मुझसे दूर किया था। आपने मुझे मजबूर किया था क्योंकि आपके ऊपर पाखी दीदी का पक्ष लेने की धुन सवार थी। आपने हमेशा उनका साथ दिया, आपको उनकी गलती कभी नजर ही नहीं आई। बस करो, इस सब में अगर कोई गलत है तो वो तुम हो। अपनी गलतियों पर पर्दा डालना बंद करो, सफाई देना बंद करो। मैं आपको कोई सफाई देने की कोशिश नहीं कर रही और ना ही मुझे आपको सफाई देने की जरूरत है, क्योंकि मेरी गलती थी ही नहीं, गलत आप थे। ऑफ कोर्स। खैर इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं है, वैसे ही देर हो गई है, आपको जाना चाहिए। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, चला जाऊंगा मैं। तुम बस मेरे सवाल का जवाब दो, इतने सालों में तुमने मुझे एक बार भी कॉल क्यों नहीं किया? एक कॉल? आप इस बारे में बात क्यों करना चाहते हैं जब हमने तय किया था कि हम अपने अतीत का जिक्र भी नहीं करेंगे? माना हमने तय किया था, लेकिन ऐसी बहुत सी बातें जो बिना तय किए भी हो ही रही हैं। जिंदगी में फिर मिलना होगा, ये तो हमने तय नहीं किया था ना, और वो भी ऐसे मुकाम पर। तो जब ये सब हो ही रहा है तो ये भी होने दो, मेरे सवाल का जवाब दे दो। क्यों कॉल नहीं किया था तुमने? आखिर ऐसी क्या वजह थी? बोलो सही, सभी कहां मिली तुम्हें? किसकी बेटी है? कुछ पूछ रहा हूं, किसकी बेटी है सभी? बाप कौन है? जवाब तो सही, बाप कौन है? मुझे मेरा जवाब चाहिए। क्या जवाब चाहिए आपको? क्या मतलब है सभी किसकी बेटी है? सभी मेरी बेटी है। तुम्हारी बेटी है। मेरी याददाश्त कमजोर नहीं हुई है, अच्छे से याद है मुझे डॉक्टर ने क्या कहा था। डॉक्टर ने कहा था कि तुम मां नहीं बन सकती, सच सच बोलो। लेकिन मैं मां बन गई, मैं एक डॉक्टर हूं। हमारे प्रोफेशन में ऐसे चमत्कार देखने को मिलते हैं, मेरे साथ भी चमत्कार हुआ है। मतलब सभी सच में तुम्हारी बेटी है? तुमने सच में उसे जन्म दिया? हाँ हाँ, सभी मेरी बेटी है, मैंने उसे जन्म दिया, मैं सभी की माँ हूँ। सभी मतलब तुमने घर छोड़ा, हमारे विनायक को खो दिया, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई और अब तुम्हारी बच्ची है। सभी का बाप कौन है? कौन है? मामिन के पिता का नाम? माँ और बाप दोनों के नाम की जगह लिखिए
सही सोची। सच ये है कि सभी मेरी बेटी है और सभी के बाबा कौन है ये बताना मैं आपको जरूरी नहीं समझती। नहीं जरूरी है, पर मेरे सवालों का जवाब तुम्हें देना होगा क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने और मेरे परिवार ने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ बर्दाश्त किया और तुम बड़ी आसानी के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हो दिख रहा है मुझे। इसलिए मुझे जानना है सभी का बाप कौन है। आप ऐसे कह रहे हैं जैसे आप अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़े। आपने तो मेरा बड़ा इंतजार किया। हाँ आखिर आप होते कौन हो मुझसे पूछने वाले कि सभी के बाबा कौन है। मैंने आपसे पूछा कि विनायक किसका बेटा है तो पूछो ना, मना किया मैंने? जैसे सभी तुम्हारी बेटी है ना वैसे ही विनायक मेरा बेटा है। और उसकी आई कौन है? आप खुद अपनी जिंदगी में इतना आगे बढ़ चुके हैं और आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। तुम ये कह रही हो कि मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका हूं? तुम घर छोड़कर चली गई थी विनो के साथ, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया उसके बाद और मैं तुम दोनों को ढूंढने आया तो तुम मुझे बोल रहे हो मूव ऑन? झूठ बोल रहे हैं आप, क्योंकि अगर आप मुझे ढूंढने आए होते तो मैं आपको मिल गई होती। फिर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम दोनों को ढूंढने आया था लेकिन तुम्हारा नाम मैंने मरे हुए लोगों की लिस्ट में देखा और मैंने जिंदा लाश बन चुका था मैं तुम्हारे जाने के बाद। लाश? जो इंसान अपनी जिंदगी में इतना आगे बढ़ चुका है, जिसका एक बेटा है किसी और औरत के साथ, और आपने उस बेटे का नाम भी क्या रखा? विनायक। वो नाम जो हमने हमारे बेटे को दिया था क्योंकि मैंने नमस मांगी थी। इस नाम पर तुम्हारा कोई कॉपीराइट नहीं है, पापा का नाम है ये। दुनिया में हर कोई अपने बच्चे का नाम ये रख सकता है। और तुम क्या मुझे बोल रही हो? तुमने भी तो अपनी बेटी का नाम सभी रखा है ना, जो हमने डिसाइड किया था कि हम हमारी बेटी के लिए रखेंगे। हाँ तो सभी। हाँ तो सभी, मैं कब से तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम सुन नहीं रही हो, बस मुझ पर ना इल्जाम लगा रही हो मूव ऑन करने का, जो क्लियरली तुम कर चुकी हो। तो फिर मैं भी तुम्हें सफाई क्यों दूं? तो मैं आपसे सफाई कहाँ मांग रही हूँ? आप मुझसे सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं आप। हाँ पूछूंगा, क्योंकि हक है मेरा कि मेरा बेटा कहाँ है, मेरा विनायक कहाँ है? जवाब पता भी है अपने बेटे को खोने के बाद कितनी तकलीफ में जिया हूँ मैं। सिर्फ आपने विनायक को खोया है ना, आपको सिर्फ अपनी तकलीफ नजर आ रही है, मेरी तकलीफ तो नजर नहीं आई होगी ना। अरे आपने मुझे मजबूर किया था विनायक को लेकर जवान निवास छोड़ने में, आपने मजबूर किया था। मजबूर नहीं किया था, मजबूर नहीं किया था, मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी, बहुत बार रोकने की कोशिश की। मैंने यहाँ तक कह दिया था कि अगर सही तुमने दहलीज पार की तो हमारे बीच में जो था जैसा भी रिश्ता था नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी चली गई, सबको छोड़ के चली गई, पूरे घर को छोड़कर चली गई, सही मीनू को भी लेकर चली गई मुझसे दूर। क्योंकि आप बाकी दीदी को घर वापस ले आए, मेरे मना करने के बावजूद अगर आप उन्हें वापस नहीं लेकर आए होते, अगर वो घर में वापस नहीं आई होती तो मैं घर छोड़कर कभी नहीं जाती। लेकिन आपने आपने बाकी दीदी को ज्यादा इम्पोर्टेंट समझा, अपने बेटे से ज्यादा इम्पोर्टेंट समझा, अपनी बीवी से ज्यादा इम्पोर्टेंट समझा। बात पत्र लेखा की है ही नहीं, बात हमारी और हमारे बेटे की थी, हमारा बेटा विनायक जिसे तुम लेकर चले गए और जो आज इस दुनिया में नहीं। नहीं, अगर विनायक मेरे साथ नहीं है तो उसकी वजह आप। मैं? हाँ। तुम ऐसा बोल भी कैसे सकती हो? बाबा आप दोनों मेरे बारे में बात कर रहे हो? अब डॉक्टर आंटी ऐसे क्यों कह रहे थे कि मैं उनके पास नहीं हूँ? मैं तो यही हूँ। बड़ा वो तुम्हारी डॉक्टर आंटी ये कह रही थी कि कल तुम उनके साथ नहीं थे ना, वो मैं तुम्हें लेकर चला गया था, तो अगर साथ होते तो तुम्हारा इलाज जल्दी शुरू हो जाता, यही कह रही थी ना डॉक्टर? सही। हाँ मैं यही कह रही थी बेटा। ओ अच्छा, लेकिन बोली संगल अपने अब तक बताया नहीं अब विनायक को कस गुस्से में क्यों लेके चले गए इतना? सभी बेटा देखो आज विनायक यहाँ पर है ना। हाँ। आपके साथ खेल भी रहा है। हाँ। मैंने उनका इलाज करना भी शुरू कर दिया है। हाँ। तो फिर बीती बातों का कोई मतलब नहीं है,
इसीलिए बीती बातों की ना ही हम फिक्र करेंगे और ना ही जिक्र करेंगे।